good morning class so we are revising chapter 2 from the previous lectures we have completed the topics primary secondary and tertiary sectors what are these sectors what is a how can we compare the three sectors now the next topic is historical change in sectors okay so historical change in sectors before starting this i just want to tell you about the project because one video already has uploaded earlier about the project work of SSG and your project work of SSG is from economics that is from chapter five मैंने आपको बताया था कि जो chapter four और सके हैं वो हमारे theory के हैं ठीक है ना chapter five हमारा exam include नहीं होगा क्योंकि वो chapter five जो है हमारा वो किस लिए है project के लिए तो chapter five आपका जो कि हमारा book में है आपकी book में last chapter है आपको वेट दस कंज्यूमर राइट्स ठीक है इसमें आपका ये पूरा चैप्टर है इसमें से आप पूरे को लेके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो पिक्चर्स देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं इसमें ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो पेस्ट कर सकते हो ठीक है ना पूरे चैप्टर से रिलेटेड या फिर आप नेट से गूगल वगैरह से सर्च करके आप इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बना सकते हो ठीक है प्रोजेक्ट में ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नोट करने है नो आपको प्रोजेक्ट जैसे बनता है ना एक टॉपिक है कंज्यूमर राइट टॉपिक है उस पर आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है ठीक है प्रोजेक्ट जो होगा उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट कवर पेज इंट्रोडक्शन इंडेक्स सब कुछ इंक्लूड होगा ठीक है ना और प्रोजेक्ट मिनिमम एटीन टू ट्वेंटी पेजेस का होना चाहिए उससे कम नहीं हो उससे कम होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी ठीक है अब नाउ वी आर कंटिन्यूंग आवर टॉपिक दैट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप कंट्रीज दैट एट इनिशियल सिटीज ऑफ़ डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी वॉज द प्राइमरी सेक्टर जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो प्राइमरी होती है जब तक हम किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी में हम क्या मैन्यूफेक्चर करेंगे और क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे ठीक है तो जो मेन सेक्टर होता है वो क्या होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर विद द चेंज इन मेथड ऑफ फार्मिंग एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर अब क्या है अलग अलग फार्मिंग के मैथड्स गए हैं मैथड्स गए हैं इरीगेशन वगैरह के अलग अलग मैथड्स हो गए हैं तो उससे क्या हुआ है जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर हुआ एक्सपेंड हुआ इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर अब जो है जितना पहले फूड बनता था उससे ज्यादा फूड अब बनने लगा मैनी पीपल कूड नाउट टेक अपर एक्टिविटीज अब जो अदर लोग हैं बहुत से लोग हैं वो दूसरी एक्टिविटीज करने लगे देयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स इंक्रीज हो गया है क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स वगैरह के नंबर में इंक्रीज हुआ है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज बिसाइज देयर वल्सो ट्रांसपोर्टर्स एडमिनिस्ट्रेट आर्मी एट्सट्रा However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. Now, next one is over a long period, करीबन 100 years से भी ज़्यादा हुआ होगा, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories आए हैं और expand हुई हैं. जो लोग पहले काम करते थे farms में, अब वो shift हो गए हैं factories में काम करने लगे हैं. Last numbers में. People began using many more goods that were produced in factories at cheap rates. Gradually, secondary sector became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. Okay. Past 100 years, mein hohe, further shift hai secondary se tertiary sector mein in developed countries has been noted. टर्म्स ऑफ अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि ज्यादा जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो सर्विस सेक्टर में हो रहा है मोस्ट ऑफ़ वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर मीन्स सेक्टर दिस इज द जनरली पैटर्न ऑब्जर्वड इन डेवलप कंट्रीज ये जनरली जो पैटर्न है ये ऑब्जर्व होता है डेवलप कंट्रीज में क्योंकि जो अनडेवलप कंट्रीज है वहाँ पे लोग अभी भी क्या है फार्मिंग वगैरह ही करते हैं उसी पे डिपेंड रहते हैं

का और एक टू थाउजेंड थ्री का तो 1973 में जो आपका देखो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का कितना कम है primary का है 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 ना वाला वाला आपका secondary और green पर्पल वाला tertiary है. तो अब क्या है? 2003 में ज़्यादा बढ़ गया है सेकेंडरी भी इंक्रीज हुआ टर्शरी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है ठीक है तो इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले भी देखे okay? इसके बेसिस आपके आंसर लिखना है ठीक है अब आजी राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन टर्श सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कैसे बढ़ रही है उसकी इम्पोर्टेंस इट हैज बिन ऑब्जर्व दैट ओवर the ईयर्स बिटवीन नाइनटीन 1973 थ्री और टू थाउजेंड थ्री में जो प्रोडक्शन था तीनों सेक्टर का वो इंक्रीज हुआ है टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हुआ है ज़्यादा एज अ रिजल्ट इन द ईयर टू थाउजेंड थ्री में जो टर्शेई सेक्टर है वो एमर्ज हुआ है लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया जिसने रिप्लेस किया है प्राइमरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू ग्राफ सो वाई इज़ द टर्श सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ है हमारा टर्शरी सेक्टर इंडिया में सो so, इसके बहुत से रीज़न्स हैं देयर कुड बी सम रीज़न्स फर्स्ट ईच कंट्री रिक्वायर सेवल सर्विसज सच्चेस हॉस्पिटल हर कंट्री को चाहिए हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसज पुलिस स्टेशन कोर्ट्स विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सब कुछ चाहिए एंड दिस सर्विसेज कैन भी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज इन सर्विसेस को हम बेसिक सर्विसेज के अंदर कंसिडर करते हैं इट इज रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अ डवल्पिंग कंट्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दर्विसेज ठीक है सेकेंड जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का उससे डेवलपमेंट होता है सर्विसेज का जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रेड स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव जस्ट गोवन थ्रू ग्रेट द डेवलपमेंटल ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ़ द प्राइमरी और सेकेंडरी मोर विद बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज जितना जितना हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस जो है डेवलप होगा उतनी उतनी हमारी टर्सरी सेक्टर की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी थर्ड विद द राइज इन द इनकम लेवल जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होता है सर्टीन सेक्शंस ऑफ द पीपल बिगेन डिमांडिंग मैनी मोर वो ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं जैसे टूरिज्म की शॉपिंग की प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्राइवेट स्कूल्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की सो यू कैन ऑब्जर्व दिस चेंज क्वाइट शार्प इन दिटीज हम लोग जो है ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी सिटीज में हम लोग ये जो चेंजेस है हैं ये देखे थे फोर्थ के ओवर दिकेट्स न्यू सर्विसेज सच इज दो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड अशेंशियल प्रोडक्शन ऑफ दिज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली ठीक है हाउ एवर यू मस्ट कीप इन माइंड दोट ऑफ द नॉट ऑल ऑफ़ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल्थ सारे सर्विस सेक्टर इंक्रू लेकिन जो सर्विस सेक्टर इंडिया का है उसमें ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरीके से एम्प्लॉय किया गया है एट वन एंड देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड सर्विसेज वर्कर्स सॉरी एट द अदर एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज में लगे हैं जैसे शॉपकीपर रिपेयर पर्सन ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा ये लोग जो हैं किसी भी तरह अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं ठीक है और अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई आल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है काम करने के लिए ठीक है ऐसा तो जिसने मकैनिक का काम सीख रखा है भाई वो छोले भटूरे बना रहा होगा ठीक है ऐसा तो नहीं है ना जिसको जो काम आता है वही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से हर कोई अपना अपना काम कर रहा है हैंड्स ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन तो जो अभी के लिए है अभी सिर्फ इतना ही आप पढ़िए ये सिर्फ मैं आपको रिविजन करा रही हूँ लेकिन जो इसके लेट्स वर्क दीज आउट के क्वेश्चन आंसर्स हैं यू हैव टू डू इट एन नोट बुक ऑल्सो ओके क्लास थैंक यू